सही आंसर है। ठीक है देखो भाई, देखो क्या करेंगे, 5 raised to the power 1/3 है सर। अच्छा ठीक है, देखो क्या 3 है बाबू, तो 3 का पावर 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 3 का पावर 2 सर, 1/3 है ना बाबू, तो अल्टीमेटली 1/3 हो गया। अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई कर, 3 का पावर 2 × 1/3, तो अल्टीमेटली बाबू ये क्या 2 × 1/3 यही टर्म आएगा ना, इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक ठीक सर, डिनोमेटर में क्या बाबू, 3 का पावर, अब बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो बाबू, ये बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 1/3 बाबू अब +2/3। ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू बोलता सर थोड़ा सा क्वेश्चन दीजिए ट्विस्ट वाला, एक क्वेश्चन आता तो पानी पानी हो जाता, अब कुछ इसमें नया कंसेप्ट थोड़ी बाबू, जो पहले बताए वही है कुछ, अब इसको सिंप्लीफाई करो आप लोग, अभी भी नहीं होगा, लिखो बाबू, राइट डाउन कीजिए, ये लिखिए या यहाँ से शुरू कीजिए, सही था सर, 15 पावर 1/3। ये तो आज पगला गया सर, √45/3 होगा। हाँ बाबू, √45/3। चलो ठीक है बाबू, रूट नहीं क्यूब रूट सर, सबको लगता है क्यूब रूट, क्यूब रूट 45/3 होगा ना ये। हाँ बाबू संजना, नहीं ना समझ में आता बाबू, बनाए बनाए बाबू सिंप्लीफाई कीजिए, कर सियोना तो 7 बजे के बाद है, बोलेगी सियोना टाइम हो रहा है बोलने का बाबू, बोलोगी, 3 दिन से बोल नहीं रही है सर, 1 मिनट और। ये कितना है सर, 5 raised to the power 1/3 बाबू, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा बाबू, 1/3। ठीक ठीक सर, 3 का पावर डिनोमिनेटर 1/3, ये 3 1/3 1/3 कितना हो जाएगा, 3 raised to the power 3/3। नेक्स्ट बाबू 1/3 है तो क्यूब रूट लिख सकते हैं बाबू, 1 इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते, अगर पावर सेम है बाबू तो बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पावर अगर सेम है, पावर सेम है बाबू तो बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम बताएं, तो 9 × कितना 45 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 1/3 हो जाएगा। एक बजे से एक क्लास ले लीजिए ना सर, इसमें मेरा डेटा नहीं बचता, 90 बचाइए बाबू, ये 3 3 कैंसिल होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 45 है बाबू, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको नहीं समझ में आ रहा नारायण, ये नारायण आ रहा है सर बाबू, इसमें ऐसा कोई स्टेप नहीं बाबू जो हम नहीं पीछे पढ़ाए, ऐसा कोई स्टेप्स नहीं बाबू, कोई फॉर्मूला नहीं जो नहीं पीछे पढ़ाए, तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट बाबू। सर हम ऐसे नहीं बनाए सर, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उसमें कन्वर्ट कर दिए सर, और उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, तो यही आंसर आया। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, भागा कौन सा था, संजना है, जानवी शर्मा भागे, और एगो कौन भागा सर, अब ऐसा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन दीजिए सर, अब बन जाएगा, लिख ली सोना सौम्या, हाँ सर मैं लिख ली, किससे गप कर रहे हो प्रकाश से, सर कोई मम्मी नहीं बाबू, तो बोल क्या रहे बाबू, अपने अपने बोल क्या रहे हो बताओ बना प्रकाश से, बना बनाए बाबू, 8 नंबर, इसका आंसर हमको पता नहीं, आपको खुद करना, ठीक है ना बाबू, दीजिए सर जल्दी, ये 2 है बाबू, ये 3 है बाबू, ये 4 है, अरे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, अरे सीधा नहीं, इसको 3 करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, 2 3 4 3 3 3, कीजिए माइंड यूज कीजिए बाबू,
यूज करो जी मितेश, बहुत खेलता है। आया कौन है, को गायब भी कौन हुआ। जल्दी कीजिए बाबू, शैतान मेरे, जल्दी कीजिए। आनंद, संजना, सियोना, सियोना बाबू बोलिए ना कुछ। ओम शर्मा लगता चला ना, गया ना। हाँ ओमे शर्मा गया, वही कहे बाबू। क्यूब रूट ऑफ 36 अपॉन 3। आंसर हमको नहीं पता बाबू, एट रैंडम दिया, फिर भी बोलो कितना। क्यूब रूट बाबू ऑफ 36 अपॉन 3। ठीक है, हमको आंसर नहीं पता, हम एट रैंडम क्वेश्चन दिए सर। DIY ये क्वेश्चन सोल्व करो ना, उसके बाद देते हैं। 7:30 बजे तक क्लास है बाबू, 6:30 से 7:30 बजे तक, अभी 10 मिनट बच रहा है ना सर। नेट क्या बाबू प्रकाश से? डाटा खत्म। क्या करते बाबू, कहीं जाते नहीं हो मेरे यहाँ, सिर्फ खाली वो सुबह को शाम क्लास करते हो, इतना में डाटा खत्म हो जाता है। वीडियो भी नहीं देखते बाबू प्रकाश जी, तो 400 MB, 400 × 2 800 MB खत्म हो, दो क्लास में ज्यादा जाएगा तो बाबू ऐसे 700 MB जाएगा। सुबह में कितना खत्म हो जाता? सुबह में 500 खत्म हो गया कुछ बाबू। ये 1/2 घंटा करेंगे, 70 मिनट करेंगे तब 500 होगा, उतना तो आप लगाते नहीं हो, 50 मिनट में चल जाते हो। हाँ सर, लेकिन सुबह में 50 देखे थे, ट्यूशन से आज तो चेक करें देखेंगे। क्वालिटी में तो बढ़िया मिलता है। चलो ठीक है बाबू, इसको करते हैं, इसको सोल्व पहले करते हैं। चले ठीक है बाबू, मिलकर करते हैं, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो मिलकर करते हैं। इसको करो बाबू। हुआ जी मितेश? थोड़ा जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए, तेज बनिए बाबू, है ना बच्चा। आप लोग नहीं रहे बाबू, LKG से ऊपर उठिए, सब दिन LKG में कितना दिन रहिएगा। एट नंबर बाबू, 2 है सर, 3 है सर, 4 है, 3 है सर, ये 3 है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में पहले लिखने की कोशिश करो। ये 2 हो गया मल्टीप्लाई बाबू, 4 raised to the power कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये 3 हो गया सर मल्टीप्लाई बाबू, 3 है, ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ किससे फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे से बाबू 3 का 3, ये तो इसके लिए झंझट, ये तो रेशनल नंबर है, यही ना शैतान है बाबू। तो 3 raised to the power 2 cube root 36 sir 2 cube root 36 / 9। अच्छा देखते हैं शैतान, ठीक है, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 raised to the power 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, 3 raised to the power 2/3 से। अभी ना किया बाबू, 3 का पावर 1/3 है, तो यहाँ बाबू 1/3 में क्या ऐड करोगे बाबू कि लगभग 1 आ जाए। 1/3 में क्या ऐड करो, 1/3 में शैतान ऐसे सोचो, 1/3 में क्या ऐड करो बाबू कि 1 आ जाए। तो 1/3 में पहले डिनोमिनेटर में 3 लिख लो, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 3/2/3 हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये 2/3 है, इसको आएगा 2 cube root 36 / 9। अच्छा ठीक है, ये 2/3 को इसको रख ले रहो, इसको सब छेड़छाड़ मत करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 2/3 इसको रहने दो, ठीक ठीक सर। 4 का पावर 1/3 है क्या बाबू, न्यूमरेटर में क्या बाबू, 4 का पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाबू, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते ना 3 का स्क्वायर पावर बाबू 1/3, 3 raised to 2/3 तो 3 का स्क्वायर 1/3 कर दो। डिनोमिनेटर में बाबू बेस सेम है, पावर ऐड करो तो 1/3 बाबू प्लस बाबू कितना, 2/3। हाँ सोचो, चुप रहे बाबू। नेक्स्ट बाबू, 4 raised to the power 1/3 सर हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चुप रहिए। 4/1/3 आई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाबू 9 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और ये 3 का पावर 3/3 हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, बेस सेम है बाबू, बल्कि बाबू पावर सेम है, पावर क्या है सर, सेम है, तो बेस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, पावर सेम रहते बाबू तो बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/3 हो गया।
मल्टीप्लाई बाबू, ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 है पावर 1 बाई 3 हो गया, डिनोटर में क्या है 3, ये 3 रहेगा ना, ये 3 मल्टीप्लाई करो तो बाबू तो 2 बाई बाबू 9 हो गया, और ये 36 है तो इसका एक्सपोनेंट आती बढ़ रहे, सेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा बाबू 36 का क्यूब रूट हो जाएगा। सर मेरा आंसर सही था कि नहीं, कहां गलती कर दिया मेरा, सर ब्लर दिख रहा है सर, दिखा नहीं पा रहा। अच्छा कहां गलती कर दिया जीवितेश, सर मैं काहे नहीं बना आनंद बाबू, आनंद बना काहे नहीं, आनंद कहा नहीं समझ में आया शैतान, छोटे समझ में आता बना ही नहीं पाता, हाय प्रभु मैं तो बना दिया ना, अरे शैताना चुप रहिए ना, कहां समझ में आ गया तो कैसे नहीं बन पा रहा था बाबू, सारा कंसेप्ट सारा, ऐसा कोई स्टेप्स नहीं बाबू जो आपको कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं जो नहीं बताया गया, लिखो लिखो आनंद बाबू लिखे, 15 होने वाला है, अरे होने दो, सर डेटा समझे हो जाता है, पापा यूज करते हैं तो पापा को मना कीजिए, 10 का रिचार्ज कीजिए 1 GB, चाहे तो पापा को बोले करते हैं, तब फोन करके बोल दीजिए कि 10 का रिचार्ज कर दिए, एक्स्ट्रा पैक वाले 50 रुपए में 6 GB देता ना, वो पापा पेरेंट्स से डलवा दीजिए कि पापा हमको पढ़ना रहता है डाल देंगे, ठीक है ना, 50 रुपए में 6 GB देगा वो बाबू आपका, तभी होगा वो एड ऑन प्लान होता है, एड ऑन डाटा होता है, एगो होमवर्क करके लाना, 8 नंबर हुआ 9 नंबर होमवर्क करके लाना, सर सिर्फ एक ही था ना, हाँ एक ही, हम लोग ज्यादा बर्डन नहीं देते बच्चे को बाबू, स्कूल वाला काम नहीं देते, करते हैं मार के दम धर के दम, 9 नंबर बाबू, अभी ये रेशनलाइजेशन ऑफ सेट कर रहे हैं बाबू, सिंपल है ना, इसमें अगर प्लस वाला आ जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा तो पहला प्लस यहाँ 2 रहेगा, यहाँ भी प्लस 2 रहेगा तो कैसे करेंगे, तो ये सब बताएंगे, सब बताएंगे, सारा बताएंगे बाबू, पूछना चाहेंगे, ये बाबू 4 है बाबू, और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 3 है बाबू, 4 है बाबू, और यहाँ 3 है, करना तो इसको ठीक है सर, कर लेंगे ठीक है सर, बाय सर, सर ये वाला अभी तो आप लिख रहे हैं ना सर, अभी जो बोर्ड पर जो दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके किन्हीं को भेज देने कहिए तो, 9 नंबर का बाबू, नो सर ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सर, सर हट जाइए तो, अरे तो इरेज कर दिया ना शैतान, सर आधा आधा तो सर थोड़ा सा बाकी है, पूरा ब्लर हो गया है, भेज भेज दो आनंद, भेज दो सर, हम भेज दे रहे हैं, भेज दो बाबू।